हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कल का मार्केट कैसा होने वाला। अभी बहुत दिनों से हमारे इंडियन मार्केट पे गिरावट आ रही है, ठीक है ना। बहुत दिनों से मैं वीडियो ही नहीं बना रहा था, क्योंकि कुछ मतलब प्रॉब्लम था, इसके कारण मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल रहा था। आज मैं आज से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बताया तो 8 अक्टूबर का मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला, कहाँ ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। मैं टोटल डाटा आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आज का भी आप लोग जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। मॉर्निंग जब भी गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, थोड़ा अप ओपन हुआ था, तो अभी मैंने आप लोगों को एक मैसेज किया हुआ था फ्री टेलीग्राम पर भी। मैंने मैसेज किया था सेफ टूडे, फ्राइडे लो टच कर सकता है, ठीक है, आफ्टर 11:30 शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। देखो हमारा क्या हुआ, लो टच किया बट शॉर्ट कवरिंग वहां पे आया, थोड़ा थोड़ा सा कवर हुआ मार्केट। आप लोग जाके चेक कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये चेक करो, 7th का है ना, यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर सकते हो, बट इसको हम शॉर्ट कवरिंग नहीं बोल सकते हैं कि हाँ तो मतलब एक दो कैंडल बना और मतलब जहाँ पे 2000-1500 पॉइंट मार्केट गिर रहा है वहाँ पे शॉर्ट 200 पॉइंट मतलब कवर करना, ये हम इसको कवरिंग नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो हुआ क्या, मार्केट हमारे लो को टच किया, फ्राइडे लो को टच किया, एंड वहाँ से क्या हुआ, वहाँ वो लो भी ब्रेक हो गया। उस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट अच्छा खासा वहाँ से फॉल हुआ। इंडियन मार्केट आप लोग चेक कर लो, आज भी मतलब 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट यहाँ पर गिरा हुआ था, लगभग 250 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा खासा फॉल आज भी हुआ है। और मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर गाइड भी किया था, ये चेक करो, ये मैंने आप लोग को गाइड किया हुआ था, ठीक है ना। आप लोग जाके चेक करना, क्रॉस चेक करना, और सारा टारगेट हमारा अचीव हुआ। टारगेट अचीव होने के बाद बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट मिला था, ये हमारा सारा टारगेट अचीव हुआ। और हम लोग को लग गया कि यहाँ पे मार्केट आज रिकवर करने वाला नहीं है, तो मैंने पुट साइड का लेवल दिया और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था हमारे प्रीमियम में भी एंड टेलीग्राम पर भी। और देखो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में एक अपडेट दिया हुआ, देखो सेफ टूडे फ्राइडे लो टच कर सकता है, ये सारा मैंने बताया हुआ था, ठीक है ना। अभी देखो ये भी मैंने बताया, 3 लेवल प्रॉफिट है, क्लोज डे ओवर ट्रेड आज नहीं करना है। देखो ओवर ट्रेड नहीं करना है, इसके पीछे बोलने का मकसद था कि इस टाइप का कैंडल, देखो मार्केट जितना गिर रहा है, जिस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, एसएल हंटिंग होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो भी पर्सन आप लोग ज्वाइन करते हो, छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हो, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, ठीक है, इस सिंगल कैंडल को आप लोग नहीं झेल पाओगे। रीजन यही था कि हम बोलिए कि 3 ही ट्रेड लो, एक में पैसा ट्रिपल हुआ, 2 अच्छा खासा निफ्टी का प्रॉफिट था, मिड कैप निफ्टी का अच्छा खासा पैसा ट्रिपल हुआ, इनफ है हमारे लिए, इनफ है, ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अदरवाइज इस कैंडल में यदि आप लोग फंस जाते तो जो भी प्रॉफिट था वो भी जाता, साथ में आपका फंड जो था वो भी जाता, ठीक है ना। आप लोग चेक करो, निफ्टी का भी चेक करो, ये वाला कैंडल, ठीक है। रीजन यही था बोलने का कि ट्रेड अब मत करो, ठीक है, जाओ क्रूड में ट्रेड करो, क्रूड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप लोग चेक कर लो, यहाँ पे 122 पे दिया और ये 160 पे समथिंग हमारा टारगेट था, वो टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। सेकंड लेवल भी अच्छा खासा प्रॉफिट था, जाके आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, आज जो हो गया हो गया, बात करते हैं कल की। 8 तारीख का मार्केट किस तरीके से होने वाला है, कहाँ ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो हमारा सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टर जो एफआईज है वो कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं और वो जाके शिफ्ट कर रहे हैं चाइनीज मार्केट में, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। साथ में बहुत सारे देखो अदर कंट्री यहाँ पे युद्ध भी हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है, ठीक है ना। साथ में सेवी का कुछ डाटा वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी क्या हो रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अभी कल का अभी हम लोग को जो बंद करना है वो कभी भी बुलिश में नहीं करना है। देखो कॉल साइड हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। जब तक मार्केट 51,600-650 को ब्रेक नहीं करता है ना अपसाइड, बैंक निफ्टी का मैं बात करूं, जब तक 51,600-650 को ब्रेक नहीं करता अपसाइड, तब तक हमारे माइंड में ये सेट करके रखना है कि मुझे कॉल साइड नहीं जाना है। हाँ, कॉल साइड आप जा रहे हो, छोटा मोटा प्रॉफिट लो, एग्जिट करो, लॉन्ग टर्म मतलब 100-200-400 पॉइंट के लिए आप वेट मत करो जब तक 51,600-650 ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉरी, आप सोचो जो भी पर्सन यहाँ पे जिसको भी लगाओगे यहाँ पे कॉल साइड में इंटर करता हूँ और ये सभी को लगा अच्छा 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 रिकवरी आ गया, रिकवरी आ गया, यहाँ पे सभी इंटर किए होंगे, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे भी इंटर किए होंगे। जैसे ही यहाँ पे इंटर किए होंगे एक धड़ाम से मार्केट फिर से यहाँ पे गिरा और अपने नियर लो पोजिशन पे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है ना। ये तो होने वाला था, पता था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन आप लोग जाके देख लो वहाँ पे किस तरीके से ट्रैप किया आज मार्केट, दिमाग का दही कर दिया, ठीक है ना। जो भी पर्सन अपना फंड डाल के प्रॉफिट बना रहे होंगे, एक रिस्क पे बना रहे होंगे कि हाँ मैं रिस्क लेता हूँ, मेरा फंड जाए तो जाए, मुझे प्रॉफिट कमाना है, उसको लॉस से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट से मतलब है, तो वो आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए होंगे। लेकिन यदि ऑप्शन चेन एंड हर चीज़ डाटा को देख के यदि आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको ट्रेड करने से थोड़ा सा बच रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन मतलब थोड़ा कुछ और बिहेव कर रहा था और यहाँ पे हमारा प्रीमियम कुछ और बिहेव कर रहा था और ये कुछ और बिहेव कर रहा था इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें एक
क्वाइट ऐसा था, इसमें मूवमेंट ही नहीं था और हमारा प्रीमियम बहुत ही अच्छा खासा मूव कर रहा था, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि कल का मार्केट किस तरीके से होने वाला, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है आज का हो जाए। कल का मार्केट देखो, हमारा जो नीचे सपोर्ट है ना 50,000 का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो हाई चांस है कि हमको 49,700 तक का लेवल हमें देखने को मिले। कहाँ तक का? 49,700, 300 पॉइंट का आप इस बीच में टारगेट रख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके आपका सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट जो होगा 49,000 का, यहाँ पे 600 से 700 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। यदि 49,700 यदि ब्रेक होता है तो यहाँ से 500 से 600 का गिरावट आ सकता है। बाइनेंस 49,000 भी ब्रेक हो गया, 49,000 भी ब्रेक वन होने के लिए देखो, अभी इस टाइप के मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 100,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट भी गिर सकता है मार्केट, ठीक है ना। 48,500 तक भी आने का चांस है, ठीक है। बट क्या करना है, हमें सेफ ट्रेड करना है। इस बीच में 50,000 के यदि ब्रेक होता है, इस बीच में यदि आप इंटर करते हो तो 49,700 के पास कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक करके एसएल नियर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेना, ठीक है। ये रहा, और अपसाइड का मैं व्यू बता देता हूँ। अपसाइड ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में भले ही गैप अप ओपन हो, छोटा मोटा कैंडल बनाए यहाँ पर 51,600 के पास, तो इंटर मत करना जब तक एक कन्फर्मेशन ना हो यहाँ मार्केट अब क्या हो गया, यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब कॉल साइड हम एंट्री बना सकते अपने आप पे बिलीव ना हो, तब तक ट्रेड मत करना कॉल साइड में, ठीक है ना। 51,600, 650 ब्रेक या 650 ब्रेक होता है, 600 और या 650 ब्रेक होता है तो इसके ऊपर एक सेफ ट्रेड हो सकता है कॉल साइड के लिए। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, 51,600 एंड 650 ब्रेक होता है तो इसके ऊपर कॉल साइड के लिए हम जा सकते हैं। तब तक हम कॉल साइड हम हमारे क्या होंगे, रिस्की होगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखना। और इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड आप ले सकते हो, 50% लॉट बुक करके एसएल कॉस्ट टू कॉट लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा ट्रेड किस तरीके से करना है, छोटा मोटा अमाउंट है, जाके प्रीमियम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सिखा भी देंगे, बता भी देंगे, समझा भी देंगे एंड ट्रेड भी करवा देंगे, ठीक है ना। अभी निफ्टी का बात कर लेते, देखो निफ्टी भी क्या है, निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा गिरा, ठीक है ना। बार बार यहाँ पे एक टाइम ऐसा था जहाँ पे क्या हो रहा था, 50 EMA टच कर रहा था और वहाँ से सपोर्ट ले, देखो ऊपर जाने की कोशिश किया, 50 EMA टच किया, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, 12:30 लगभग, कहाँ पे चेक करो यहाँ पे, लगभग 12:30 बजे, हाँ चेक करो यहाँ पे, सॉरी 50 EMA नहीं, 20 EMA, हाँ 20 EMA टच कर रहा था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम कंटिन्यू 20 EMA का सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया एंड एक फॉल गया, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैं देखते हुए अपने ग्रुप में मैं यहाँ पे क्या किया, निफ्टी का लेवल दिया हुआ था, आप लोग चेक कर लो, निफ्टी का लेवल दिया हुआ था और मैं आप लोगों को बताया, देखो पुट दिया हुआ, ठीक है, पुट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं 2-3 बार देखा कि 20 EMA को रेसिस्टेंस मान के ये यहाँ पे जैसे ही टच करता है यहाँ से अच्छा खासा फॉल होता है, यहाँ पे जैसे ही टच किया मैं एक छोटा सा लेवल दिया, छोटा सा ऐसे रखवाया एंड बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करवाया यहाँ पे। सेम सेकेंड बार भी यही हुआ, थर्ड बार भी हम मिड कैप निफ्टी में सेम यही किए, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, वैसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। अभी निफ्टी का बात कर लेते हैं, निफ्टी जब तक 25,100 ब्रेक नहीं करता तब तक हम कॉल साइड के लिए सेफ नहीं रहेगा, तब तक हम कॉल साइड के लिए नहीं जा सकते हैं सिर्फ ट्रेड के साथ, ठीक है ना। यदि रिस्क लेना है तो आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तभी ट्रेड करेंगे कॉल साइड जब तक 51,100 ब्रेक नहीं होता है, क्लियर है। और दूसरी बात, यदि डाउन आता है, 25,500 का हमारा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,500 ब्रेक होता है तो यहां से अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा 24,100 तक आ सकता है निफ्टी। चांस है कि आपको 24,100-200 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट बीच में क्या करना है, आपको 50% लॉट बुक करके एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाएगी, सिर्फ ट्रेड करना है, ठीक है। ये है हमारा कल का व्यू, देखो वीडियो 10 मिनट का हो गया, आप लोग प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे लाइव मार्केट अपडेट देता हूं, बताता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं किस तरीके से ट्रेड करना है, पूरा गाइड करता हूं, ठीक है ना। हमारा जो टेलीग्राम लिंक है एंड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड बायो में, जाके आप लोग वहां से ज्वाइन करके सीख सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, लाइव मार्केट अपडेट ले सकते हो, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने में इसमें कुछ नहीं जाने वाला है, प्लीज जाके आप लोग ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।